that. थैंक यू सो मच। तो सर, बिग बॉस सीजन 3 और 4 अनिल कपूर स्टेज पे, सर कैसे, आप पहले बताइए सर कैसे लगे मनीष मार्केट चोर बाजार और ये भिंडी बाजार? अरे मैं भी तो हूं कपूर, दैट आल्सो फ्रॉम चेंबूर। ओह अनिल कपूर, रूट्स नहीं भूलो रूट्स। लेकिन सर अगर हम चार यहाँ पे है ही तो एक सेल्फी हो जाए सर, सीजन 3 में 4। चलो भाई सेल्फी का जमाना ले लेते हैं, आओ भाई आ जाओ। देखो तुम लोग से बेटर लगना चाहिए मुझे। चलो इससे पहले मजनू भाई की गोलियां चलने लगे। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से सर? आरिफ। आप कहाँ से सर? राजस्थान से। हाँ और आप? गेटी। अरे गेटी गैलेक्सी। अरे ऐसा मत करो यार। गेटी गैलेक्सी जाना, मेरे घर मत चले जाना। ओके घर मत जाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इजाजत। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम प्लीज। थैंक यू सर प्लीज। मैं और दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अरे एक बार जरा जोरदार आवाज हो जाए और जोर से। क्या बात है। सर सबने मोबाइल हाथ में रखे हुए अनिल कपूर की एंट्री रिकॉर्ड करने तो कोई ताली नहीं बजा पा रहा है। जरा मुंह में फंसाओ और ताली बजाओ एक बार जोरदार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम स्टेज पे हालांकि, बट मैं वेलकम वाले अंदाज में आपसे पूछना चाहूंगा सर एक सवाल। पूछिए। ये किस लाइन में आ गए भाई साहब? मैं लाइन में नहीं आया हूँ, सबको लाइन पर लाने आया हूँ। इस बार जो है बिग बॉस का घर और बिग बॉस का डर दोनों बराबर रहेगा। जो लोग बाहर से गेम सेट करते आए हैं उनको गेम करने के लिए मैं आऊँगा, उनका गेम करने के लिए, समझा ना, उनका गेम करने के लिए। क्योंकि अब सब क्या होगा, अब सब बदलेगा और अब सब कुछ खास होगा। खास होगा, सब कुछ बदलेगा सर। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ में आया कि AK इज़ गोइंग टू होस्ट बिग बॉस ODD सीजन 3, घर वालों के दोस्तों के क्या रिएक्शन थे? क्योंकि मेरे दोस्तों में हम लोग सब वही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अनिल कपूर इज़ गोइंग टू होस्ट। घर वाले तो सब बहुत एक्साइटेड थे, मगर आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि माई वाइफ वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। और उन्हीं की प्रेरणा लेके मैं यहाँ आऊँ। क्या क्या प्रेरणा? जोकिंगली शी सेड कि उन्होंने ये कहा कि भैया मुझे तो आपने देखा है कि किस तरह मैं घर संभालती हूँ और कैसे सबको मैं हैंडल करती हूँ, तो सीख तो आपको हो गई है, तो वैसे ही जाकर कर लेना, योर जॉब विल बी ईजियर, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। और सबको तो बिग बॉस की आदत है, आप सबको, आपको आदत है कि घर में आप लोगों की बीवियां तो घर बिग बॉस ही होती है,
Am I right or wrong? Yes, yes, बिल्कुल सही सर. लेकिन और एक क्वेश्चन है. ये ऐसा है कि सब सलमान भाईजान जो है उन्होंने आपसे क्या कहा ये जानना है, क्योंकि मीडिया वाले देखो यही लोग जो है ना इधर बैठे वो लिखते हैं कि एके ने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया. मुनव्वर, ये बहुत ही गलत सवाल है. सारे लोग गलत है. मैं जानता हूं सलमान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. और अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. क्या बात है. सिंपल. Am I right or wrong? Yes, yes, perfect. But क्या भाई थे excited? नहीं, भाई, भाई 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 बहुत खुश हैं. मैंने मेरी उनसे बात भी हुई. He's very excited कि मैं non fiction कर रहा हूँ, तो he's very happy. और बाकी अगर तू controversy create करना चाहता है तो नहीं नहीं सर, मैं खुद तो बहुत मैं तो बहुत भागता हूँ दूर. मैं तो जरा नहीं. वो सब बिग बॉस में होगा. नहीं 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 नहीं, मैं तो बस रिप्लेस वगैरह जो है ना, ये गलत सवाल है. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था सर. नहीं सर, मुझे भी पता है, मैं तो जानता हूँ. तेरे को भी रिप्लेस कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता ना. मुनव्वर को भी कर सकता है? नहीं कर सकता. तो अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. सलमान को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. नो डाउट सर. या लेकिन सर, मैं ये क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे कि आप कौन सी चीज को लेके एक्साइटेड हो बिग बॉस OTT सीजन 3 में, कौन सा पार्ट? सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं खुद को लेकर कि मैं इसे होस्ट कर रहा हूँ. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मगर कुछ खास करना है. फिल्म्स तो कर ली, टीवी कर लिया, OTT कर लिया. सोचा OTT के नॉन फिक्शन के साथ डेब्यू करना चाहिए, और ATD का नॉन फिक्शन का एक ही बिग बॉस, और वो है बिग बॉस OTT. तो डेब्यू कर लिया. मैंने बोला चलो घुस जाते हैं, करते हैं बिग बॉस, होस्ट भी कर लेते हैं. और बनता है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अभी वो नई जनरेशन में OG वर्ड, ओरिजिनल को OG बोलते हैं, ये बहुत चला है. लेकिन असली इन्वेंटर तो यहाँ खड़े. करते हैं कुछ खास, और AG OG भी बहुत हो गया है. कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं. सर ये अलग अलग सुन रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले वही कि बता दो कि क्या अलग है, मतलब क्या है, मतलब कुछ तो खतरनाक वाइब दे रहे हो. देख यार, कितनी बार मैं तुझे बोलूँ सब कुछ खास होगा, जो सोचोगे वो नहीं होगा, और जो होगा वो कभी सोचा नहीं होगा. एक अलग माया जाल बनने वाला है इस बार. द वेब ऑफ इल्यूजन, रियल और अनरियल के बीच का फैसला कम हो जाएगा. और जो जिस्म नहीं, तेरा जिस्म नहीं, मैं अपने जिस्म की बात कर रहा हूँ. करेक्ट है सर, आपके जिस्म की तो सब बात कर रहे हैं सर. और जो इसमें खुद को संभाल लेगा वही आगे जाएगा. फियर होंगे अनलॉक, सीक्रेट्स होंगे रिवील, और बिग बॉस OTT में मैजिक होगा अनलीश. क्या बात है, क्या बात है. फियर अनलॉक होंगे, सीक्रेट्स रिवील होंगे, और मैजिक अनलीश होगा. सर अभी हम लोगों ने ये सुन तो लिया, बट अगर इसको देखना भी है तो सर हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड मेंटलिस्ट है जिसका नाम है, और मैं उनको बुला लूँ स्टेज पे. बुला बुला, जल्दी बुला. गिव इट अप फॉर चिराग जेठवानी दोस्तों, प्लीज. Thank you so much, Munawar. Welcome, Chirag. Welcome. Hello, AK sir. Hi, Chirag. Hello, everybody. Welcome. तो चिराग भाई, अनिल सर बता रहे थे कि बिग बॉस के घर में ना expect the unexpected. तो यहाँ कुछ भी हो सकता है. Secret reveal होंगे, mind unlock होंगे. जरूर. तो हमें भी पता है कि आप इन सब चीजों में बहुत माहिर हो. तो आप भी कुछ दिखाना चाहते हो. मैं और अनिल सर बहुत ही excited है देखने के लिए, तो please. Absolutely. First of all, welcome everybody. और एक चीज़ जो हमें मालूम है कि बिग बॉस के घर में बहुत सारा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस साल. एंड आई थिंक हर कोई जो घर में आएगा वो एट सम पॉइंट ऑफ द अदर विल थिंक ऑफ देयर कॉम्पिटिटर इन द हाउस, कि उनके घर में सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है. सो विद दैट आइडिया इन माइंड, आई वॉन्ट AK सर, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन. डू यू हैव समवन इन माइंड? Let's give it up for him. Yes, me myself. That is cool. Absolutely. But second biggest competitor. Again me. अरे यार, AK sir, please. Somebody else. I know there is somebody who you're inspired by in some way, but there must be somebody, and I know you have somebody in mind. Yeah, there is somebody. There is someone, right? There is somebody. Okay, yeah. I want you to hold out your hand like this, please. Hold out your hand, please. Just like this. Yeah.
एंड थिंक ऑफ दिस नेम, डोंट रियली से इट बट जस्ट थिंक ऑफ दिस नेम, जो भी नाम है इनका, इनके बारे में सोचिए. सोच लिया. नाउ दिस मैन हैज बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर 4 decades. That's no small feat. He's been on the top of his game. At many points in time, over each decade, there have been many people that have been alongside you, but you've persevered. You've been working hard. I think, and this is his thought process right now. This is what I think. AK sir, jab competition ke baare mein sochte hai, I think you're thinking big. You're thinking globally. And because you've also established a footing globally, am I right in saying that? Yes or no? Well, yeah, in a way, yes, yeah, of course, yeah. Please put your hand down for a second. Yeah. I want you to just think of the name. Don't say it. There is a, this means there is a name that is not his. I feel good about this. Close your eyes, please. Don't open your eyes and do not say anything. Just keep your eyes closed. Aankhe band rakhni hai aapko. Can we have the camera over here? I'm going to write down what I think the first letter is over here. Ye dekh karke agar aapko lage. Main dekh sakta hoon, Chirag. Haan, aap dekh sakte ho, Munawar, please. We'll write this down and if you see it, please don't say it. We'll just write down the first letter over here. Aapko bolna nahi hai, sirf dekhna hai. Okay? Everybody can see it? Yes? Okay. AK sir, please open your eyes. We've written the first letter. For the first time, tell all of us what is the first letter. D. D for Delhi? Huh? Something like this? Oh! Wow. Yes. Think of the whole name right now. Don't I can't say anything. This really, honestly, yeah. Fantastic. Yeah. It gets better. Please keep your eyes closed. Don't open your eyes. Don't say anything. This is somebody I think who inspires him because at some point he wants to make movies like this person.